नमस्कार, खबरगांव शहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में सियासी गतिरोध के बीच उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने अजीत पवार को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी की ओर से सिंचाई घोटाले में क्लीन चिट मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने कहा कि जब तक विधानसभा सदन में शक्ति परीक्षण नहीं हो जाता, तब तक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के किसी भी नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लगाई जाए। राजस्थान में निकाय चुनावों के तहत मंगलवार को 46 निकायों में मतदान के जरिए महापौर, सभापति और अध्यक्ष के चुनाव कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी व सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए मतदान 26 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। मतगणना 26 नवंबर को मतदान समाप्ति के तुरंत बाद होगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर ने सोमवार को जिले के सरवाड़ा कस्बे में अजमेर डिस्कॉम के ईएन के दफ्तर कार्यरत वरिष्ठ सहायक कुलदीप जैन और सहायक वाणिज्य लिपिक अनिल नामा को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। झालावाड़ जिले के डक कस्बे में पशु चिकित्सालय व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा संचालित पशुधन अनुसंधान केंद्र पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां केंद्र के अधीन करीब 80 बीघा जमीन पर मक्का की फसल बोई हुई थी। फसल पकने के बाद में भुट्टा तोड़ने व मक्का की फसल को काटकर इकट्ठा करने का टेंडर निकाला गया था, परंतु यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पशु अनुसंधान केंद्र प्रभारी की लापरवाही के कारण उस खड़ी फसल में ही केंद्र की गायों को छोड़ दिया गया, जिससे मक्का की फसल नष्ट हो गई। बारा के छबड़ा नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए आज होने वाले मतदान को लेकर पुलिस व प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभी हाल ही में अलग अलग 35 वार्डों के चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव में जनता द्वारा चुनकर आए कांग्रेस, बसपा, निर्दलीय व बीजेपी के पार्षदों द्वारा चेयरमैन चुनने को लेकर आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पालिका में टाउन हॉल में मतदान किया जाएगा। छिपाबड़ोद के गगचाना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को यूथ व इको क्लब के तत्वाधान में खेलकूद समाप्त सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नीति आयोग पीरामल फाउंडेशन के हिमांशु व सौम्या रहे। अध्यक्षता प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद नागर ने की। यूथ व इको क्लब के सह प्रभारी व्याख्याता भीमराज मीणा ने बताया कि सोमवार से शुरू हुए इस खेलकूद सप्ताह में विभिन्न खेल व एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। जोधपुर के मथानिया में आवारा पशु वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। मुख्य रोड पर मंडराते आवारा पशुओं की चपेट में आने से कई बार दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं। मोदरान के नाइस कंप्यूटर्स ग्रुप रानीवाड़ा के तत्वाधान में सोमवार को डॉक्टर कलाम लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बाबूलाल पुरोहित ने कहा कि लाइब्रेरी के शांत माहौल में आकर प्रतिभागी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगे। सिरोही में श्री साईनाथ सेवा संस्थान द्वारा स्वच्छ सिरोही स्वस्थ सिरोही अभियान में संस्था के श्रमवीरों द्वारा पुराना बस स्टैंड स्थित अति प्राचीन श्री देवेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सात लगी बावड़ी व मंदिर व तालाब में बीचों बीच स्थित उद्यान में श्रमदान किया। श्रमवीरों द्वारा श्री देवेश्वर महादेव मंदिर परिसर में तृतीय चरण के श्रमदान के तहत दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार 3 घंटे अपना पसीना बहाया। मैदान में बारिश के कारण उगी झाड़ियां, कंटीली झाड़ियों की कटाई की व आंकड़ों की कटाई की। करौली में EWS प्रमाण पत्र बनाने के कार्य उपखंड अधिकारी करौली का पद रिक्त होने के कारण उलझ कर रह गया, जिसको लेकर EWS प्रमाण पत्र नहीं बनने से नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में SDM के रिक्त पद को जल्द भरने के साथ प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर EWS प्रमाण पत्र बनवाने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए EWS प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे में ग्राम पंचायत झाबरा में बाल विकास योजना के तहत गुरुवार को जिले भर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को पोषाहार बांटी जानी थी, लेकिन इन केंद्रों पर इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है।
कई केंद्रों पर तो सेविका और सहायिका ही नहीं दिखी, इसके अलावा कई केंद्र बंद भी पाए गए, कईयों ने तो बच्चे ही नहीं पहुंचते। सोमवार को आप डीपी के चैनल ने जब इन केंद्रों की पड़ताल की तो यहाँ हकीकत सामने आई। जालौर के मोदरान गांव में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर है। जानकारी के अनुसार मोदरान रेलवे स्टेशन पर मोदरान गांव सहित क्षेत्र के सभी इलाकों में क्षतिग्रस्त व जर्जर पाइपलाइन की वजह से कई जगह पर वाल खराब होने की वजह से पाइपलाइन में गंदा पानी आता है। मोदरान गांव में इंदिरा कॉलोनी, महादेव मंदिर, मुखिया चौराहे सहित कई जगह पर पाइपलाइन व बॉल लीक होने की वजह से पूरे गांव में हर गली मोहल्ले में गंदा पानी पहुंच रहा है, जिससे लोगों को गंदे पानी के उपयोग में बीमारियां होने की संभावना बढ़ रही है। बारा के किशनगंज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र उपशाखा किशनगंज की वार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव व चुनाव अधिकारी रामस्वरूप बेरवा व पर्यवेक्षक लाल बहादुर वर्मा की देखरेख में निर्विरोध रूप से संपन्न हुए। सांवला जिला प्रशासन, ब्लड बैंक, मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर, LADT व सिद्धिविनायक हॉस्पिटल आसपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 51 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर में सुबह 10 बजे से लोगों का रक्तदान कार्यक्रम शुरू हुआ। वह जयेश भावसागर ने बताया कि शिविर में डॉक्टर अंकिता गुप्ता, जिला संयोजक परवेश गांधी, शिविर प्रभारी राजेंद्र सेवक व डॉक्टर नागेंद्र सिंह सहित अनेकों ने अपनी सेवाएं दी। वहीं डूंगरपुर के सांवला के राजकीय बालिका महाविद्यालय में सभागार में सांवला ब्लॉक के अधीनस्थ पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी व माध्यमिक विद्यालय संस्था प्रधानों की ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक उपखंड अधिकारी भागीरथ साह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। समीक्षा बैठक में CBO सुखदेव मीणा ने हरित पाठशाला कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जन सहयोग, ज्ञान संपर्क पोर्टल व शैक्षिक उन्नत पर दिशा निर्देश दिए। कमजोर न्यून परीक्षा परिणाम, विद्यालय विकास योजना बनाकर सुधार कार्यक्रम व SMC SMDMC रजिस्ट्रेशन, खेल मैदान, भूमि आवंटन, अन्नपूर्णा दूध योजना व PEOMPR की समीक्षा सहित शाला दर्पण मॉड्यूल व बाल सभा के ऑनलाइन प्रवृष्टि आदि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। चित्तौड़गढ़ के रासमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ब्लॉक के रेफर बच्चों की स्क्रीनिंग व उपचार के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर दिनेश मीणा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेंद्र गोयल, नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर गजानंद सैनी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रियंका, फिजियोथेरेपिस्ट वहीं ऑडियोलॉजिस्ट व नेत्र रोग सहायक सुमन सैनी ने रेफर बच्चों की स्क्रीनिंग की व उपचार किया। कैंप में 223 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 32 बच्चों को रेफर किया, जिसमें से 30 बच्चों को जिला स्तर व 2 बच्चों को मेडिकल कॉलेज में बच्चों का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उपचार करवाया जाएगा। फिलहाल गांव शहर बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK न्यूज।